इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। एक जुल्म बंद करवाया जाए, लेकिन मसला सर यह है कि वो जुल्म बंद है। अब देखें, असल मसला पता क्या है कि इसराइल को सपोर्ट कौन करता है। इस वक्त जो कितना बड़ा नाम था कि ट्रंप चला गया और पता नहीं क्या आ गया, अब ये इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिसका बड़ी तवक्को थी कि जी ये इंडियन जो निषाद हैं और बड़ा काम करेंगी, और क्या उनकी एक तारीख बयान की गई। जरा बताएं, जी सुनाएं क्या कहा उन्होंने। And fires rockets across Israel's southern border. We must stand with Israel. जी, और ये सब खुल्लम खुला उसने कहा है कि हम इसराइल की सपोर्ट करेंगे। देखें, शायद मैंने कल भी बात की थी कि 1920 से लेके 1922 तक एक शख्स था जिसका नाम हेनरी फोर्ड था। आपको याद होगा कि फोर्ड ट्रक चलते होते थे, फोर्ड ट्रक, फोर्ड गाड़ियां चलती होती थी, फोर्ड अब भी बहुत बड़ी। उसके बारे में कहा जाता है ये शख्स वो है कि जिस शख्स ने बुनियादी तौर पर एक गाड़ी जो थी, जो अमीर आदमी का खिलौना था, उसको आम आदमी तक पहुंचाया। उस शख्स ने 2 साल कुछ मजामीन लिखे थे और उसने कहा था, देखो यहूदी जो हैं ये तुम्हारे पूरे मुल्क पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि अमरीका जो है ये एक कौमी रियासत नहीं रहेगी, इसराइल की लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। और दूसरा उसने कहा कि अमेरिका जो है ये इसराइल के तहफ्फुज की गैरजन स्टेट्स होगी, यानी इसराइल की छावनी अमेरिका होगी। और आज हालत वही है कि ये कमला हैरिस ने जो बात की है ये बिल्कुल। अब देखें हो क्या रहा है इस पूरे आलमी जमीर के अंदर। आप गुज़श्ता तकरीबन 30 से 1 साल की रवायात उठा लें, 8-9 साल बॉस्निया में मुसलमानों का कत्लेआम होता है, यानी आज की मॉडर्न तारीख में इतना जबरदस्त शदीद किस्म का जालम किस्म का कत्लेआम नहीं हुआ। जालम कि एक पुल है, शहरियों को लाया जाता है, उस पुल के ऊपर खड़े हैं लोग और उस पुल के अंदर ऐसे काट काट के दरिया में फेंके जाते हैं। मुद्दतों ऐसे था कि बेचारे अपनी, जिसे कहते हैं रिफ्यूज जो होते हैं, गंदगी जो है, खिलादत दोबारा खाने पर तैयार मजबूर हो जाते हैं। पूरा का पूरा सर्बिया खड़ा हो जाता है, और जब वो मुकम्मल तौर पर डिवेस्टेट हो जाते हैं, तबाह हाल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फिर कहा जाता है इनको जनाब आप कुछ करो, और फिर आप आ जाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या क्या बैठा के कर। जब सब रोहिंग्या हो जाए उसके बाद आ जाए। रोहिंग्या दुनिया कहती है कि एक आदमी जहां पैदा होता है, नाम नेशनैलिटी उसका अपना एक बुनियादी हक है, उसका जमीन उसी की, पैदा होने वाले की जमीन जहां पर होता है। 10 लाख से 20 लाख तक रोहिंग्या हैं, कोई उनको कोई पनाह नहीं दे रहा। उनके जहाज जहाँ घूमते हैं, मलेशिया के साहिल से घूमते हैं, इंडोनेशिया के साहिल से घूमते हैं, 2-2.5 महीने समुद्रों में रहते हैं, समुद्रों का पानी पी पी के बीमार हो जाते हैं। कोई कम्युनिटी खड़ी होकर ये नहीं कहते कि आओ हम तुम्हें पनाह देते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी वो अदारा है जिसके मैंडेट ये है कि दुनिया के अंदर अगर एक भी कहीं रिफ्यूजी है तो वो उसका वारिस है, उसका वाली है, और उसके लिए दुनिया जो फंड देती है उसको। वो आसमान से नहीं आता, हम सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है। ये कैफियत जो है ये गजा की है कि इस वक्त एक हर कुछ सालों के बाद एक कैफियत पैदा की जाती है, उन लोगों को एहसास दिलाया जाता है कि तुम लोग एक सब्जेक्ट हो, तुम लोग एक महकूम हो, तुम्हारे साथ हम ये करेंगे, तुम्हें मार देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, और उसके साथ फिर आगे जो है उनको बकायदा निशाना बनाया जाता है। आप सोचें कि इसराइल के, मैं पढ़ रहा था उनके अंदर डी डॉक्यूमेंटेशन और उनकी जो वीडियोस देख रहा था, हर इसराइली बच्चा आर्गुमेंट देखें कि तुम क्यों उनके खिलाफ हो। उसने कहा इन्होंने हमारे बाप दादा को निकाला था, हम उनको निकालेंगे। बाप दादा तो तुम्हारे 4,000 साल पहले निकले थे भाई, और तुम तो अभी आए हो। ठीक, चलो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और दिमागों में डाला। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि इसराइल जो है वो वाहिद रियासत है जिसके अंदर कोई फौज नहीं है। हर बंदा जो है वो 2 साल के लिए कंपल्सरी फौज के अंदर जाके नौकरी करता है, और हर बच्चा जो है वो एफए जो है में आ नहीं सकता जब तक वो 2 साल के लिए ट्रेनिंग हासिल ना करे। तीसरी चीज, ये जिस वक्त वो उनको मार रहे होते हैं तो बाकायदा उसकी वीडियोज दिखाई जाती है। आप देखे ना,
अब अल जजीरा और ये बाकी लोग जो वीडियोस दिखा रहे हैं, ये जो इमारत गिर रही है, ये सर मैं इसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि हमारे मीडिया ने बुनियादी तौर पर लोगों को इंसानों के मजालम से बिल्कुल नाआशना कर दिया। हमारे नज़दीक ये बड़ी शानदार किस्म की हॉलीवुड की फिल्म है, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि इसके अंदर 200-300 लोग भी हैं, चीखे मारते हुए मर रहे हैं, इसके अंदर बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, लोग भी हैं, काम करने वाले लोग भी हैं, जिनके ऊपर उनको कोई वार्निंग तो देकर उन पर मर नहीं फेंका जाता। ये इराक में हुआ था जब एम्बेडेड जर्नलिज्म था पूरी दुनिया, और वो माइट दिखाई जाती है जैसे वो कहके लगा के हंसा करते थे रोमन गेम्स के अंदर, जब ग्लैडिएटर्स को छोड़ा जाता था और उनको शेर और जंगली भूखे दरिंदे उन पर हमला आवर होते थे, जब वो तिक्का बोटी किया करते थे तो लोग हंसते थे, तालियां बजाते थे और कहा जाते थे कि क्या बात है रोमन किंग ने हमारे लिए कितनी खो। ये रोमन किंग्स की आज से तकरीबन 4 साल पहले जब गजा पे हमला हुआ था तो इजरायली बच्चे एक दीवार में बैठे हुए थे, नौजवान दीवार में बैठे हुए थे और वो दूर से उनको भागते हुए पनाह लेते हुए ऐसे कुछ कर रहे थे। एक फर्क सिर्फ पड़ा है और वो फर्क है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया ने इस दफा कम अज कम इसराइल के मुकाबले में फिलिस्तीनियों की कुछ आवाज़ रोड पर चाहिए, और मैं सच्ची बात बताऊं कि वो बड़ी कमा एक मतलब जो बच्ची का जो बच्ची 10 साल बच्ची, साल कल हमने भी दिखाई, कल हमने भी दिखाई थी कि आई एम 10 years old, 10 साल बच्ची, बड़ा जबरदस्त मैसेज उसका, वो बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज। लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इतनी बेहिस है, मैं अक्सर कहता हूँ कि शायद, लेकिन ये देखें कि मगरबी मुल्कों में लोग बाहर निकले हैं, उसकी एक वजह है, उसके उसमें दो वजह हैं। एक तो ये है कि मगरबी मुल्क जो है ना इस वक्त अय्याशी से फारग है, उनका कोई कॉन्सर्ट नहीं चल रहा, उनका कोई बॉल रूम नहीं चल रहा, उनका कोई निकले तो पहले जब इराक वार के दरमियान भी इराक वार निकले हैं, जब तक गए नहीं थे, जब वो चले गए फिर एवरीबॉडी सपोर्टेड, कहा कि ठीक है फिर तो हम चले गए, वो निकले। अब जमीर है, ये इंसान का जमीर कभी नहीं मरता है दुनिया में, हर जगह फ्रांस ने अलग बुरा मुल्क है जो कुछ भी फ्रांस ने कहा, सीज फायर का लफ्ज बुनियादी तौर पर गलत है। अच्छा अब आते हैं कि इस वक्त बाकी लोग जो हैं वो हमास क्या कर रही है, दूसरी चीज लोग क्या कर रहे हैं, इलाके के लोग क्या कर रहे हैं। देखें एक कुरान पाक की एक आयत के हवाले से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और फिर मैं उलमा के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए सोचने की एक बात छोड़ के जाता हूँ। 104 नंबर आयत है सूरह बनी इसराइल की। अल्लाह तबारक तआला कहता है कि जब हम एक आखिरी वादा लें, कुरान की पेशगोई पूरी हुई, तो हम जे ना बिकुम लफीफा, हम ए बनी इसराइल तुम रहो दुनिया में दुनिया, फिर हम तुम्हें आखिर जब वक्त आएगा, आखिरी वादा आएगा, तो हम तुम्हें इकट्ठा करके यहाँ ले आएंगे। अब ये इकट्ठा किसने किया हुआ है? तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत पुराना जिहादी है, काफ़ी लंबे समय से मतलब इस तरीके का ये जिहाद फैला रहा है मीडिया के थ्रू। इसकी खुद की बेटी अमेरिका में पढ़ती है और ये अमेरिका को दुनिया से ख़त्म करने की बातें करता है। आपको बता दूँ एक बार हुआ ऐसा कुछ था कि इसको अमेरिका का वीज़ा मिल गया, लेकिन जब अमेरिकी की ओर मतलब ये एयरलाइंस में बैठा अमेरिका जाने की ओर, वो एयरलाइंस से उतार दिया गया इसकी हेट स्पीच की वजह से। इसका नाम है उरिया मकबूल जान। तो गाइज़ आपको पता होगा जब कैमला हैरिस और जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, तो पाकिस्तान के में मतलब इतना खुश हो रहा था पाकिस्तान कि अब मज़ा आएगा, अब ये करेगा वो करेगा, फलाना ठिकाना जवाना, ये सब सोचना शुरू हो गया था। लेकिन अब अमेरिका खुलकर इसराइल का समर्थन कर रहा है। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं कि अमेरिका ने रिक्वेस्ट की इसराइल से कि आप सीज़ फायर जो है वो वायलेट ना करें, बंद कर दें फायरिंग। लेकिन उसके बाद हुआ कैसा कि जो नेतन्याहू हैं उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि जब तक हमास की तरफ से रॉकेट फायर बंद नहीं होंगे हम उसका जवाब देते रहेंगे। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। तो गाइज़ इस वीडियो में आपने देखा अमेरिका ने जो सपोर्ट किया है, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि वी स्टैंड विथ इसराइल। तो इससे तो अब क्लियर हो गया कि अब इसराइल के अगेंस्ट किसी की औकात नहीं है खड़ी होने की। वैसे भी अकेले इसराइल के अगेंस्ट कोई किसी की औकात नहीं थी, तो ये तो खैर अब अमेरिका ही साथ में आ गया है। तो गाइज़ आप समझ सकते हो कि वैसे भी ये पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी, दूसरे टर्की घूम रहा है, कहीं यहाँ जा रहा है कहीं वहाँ जा रहा है, होने वाला तो कुछ है ही नहीं। जब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा इसराइल के साथ आ गया है, तब कोई थानेदार नहीं है दुनिया में जो अमेरिका का सामना कर सके। ये बात आज है सही और हमेशा
से रहेगी सही, क्योंकि आपको भी पता है ये हिस्ट्री में भी अमेरिका का सामना कोई थानेदार नहीं कर पाया कई सालों से। तो अब लगता ऐसा है कि नेतन्याहू अभी बहुत खेला हुए करेंगे और बहुत सुटारा देने वाले हैं, और ये उम्मा उम्मा वाले ये आंसू बहाते रहेंगे, बस ये ट्विटर पर टीटू सुल्तान बने रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में आई स्टैंड विद फैलेस्टाइन, ये और वो फलाना ठिकाना, बस इतना ही कर सकते हैं और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। खासकर पाकिस्तानी जिन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया तो है बस रखने के लिए, और बस कुछ नहीं कर सकते। मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान टर्की ईरान की फ़ौज बने, एक कॉम्बिनेशन तीनों का बने और ये जाए इसराइल से लड़ने, तो इनका जो वहाँ पर मतलब इनका जो वहाँ पर अच्छा पिछवाड़ा लाल हो तो उससे सारी दुनिया को जो एक सुकून मिले। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं।